हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। मेरा नाम है रिपु दमन सिंह और मैं जेई एडवांस और जेई मींस दे चुका हूँ 2017 और 2018 में, जिसमें मेरी एक बार 96% आई थी, दूसरी बार 99.2% आई थी। ऐसी मैंने जेई एडवांस 2017-2018 दिया है, जिसमें मेरा सेकंड अटैम्प्ट में निकला था, पहले में कट ऑफ भी नहीं निकला था और आई वॉज एबल टू गेट IIT गुवाहाटी केमिकल इंजीनियरिंग ब्रांच इन 2018। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी, क्योंकि इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि मैंने कैसे ज़ीरो प्रेप के साथ, सही सुना आपने, बहुत ही ज़ीरो या मिनिमम प्रेप के साथ 96% लाया था और बहुत ही ईजिली लाया था। मैं बताने वाला हूँ कैसे मैंने करा और ये जेई मेन्स 2017 की बात है, पर हाँ याद रखिए उस समय परसेंटाइल सिस्टम नहीं पढ़ा था, बट मैंने अपनी रैंक से परसेंटाइल में कन्वर्ट कर लिया है। तो जो मेरी रैंक थी उसे अगर मैं परसेंटाइल में कन्वर्ट करता हूँ तो 96% आ जाता है। तो इस वीडियो में आपको मैं अपना सीक्रेट बताने वाला हूँ, तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते, आप अपनी वीडियो शुरू करते हैं। ठीक है, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, मेरी बुक में मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है ये सब डिटेल में, और अगर आप जेई के एस्पिरेंट हो 2024 या फिर कोई भी फ्यूचर एस्पिरेंट हो, तो ये बुक आपके लिए मस्ट होनी चाहिए। मैं लिख के कह सकता हूँ, अगर आप कोई भी अभी गलती कर रहे होगे तो आप नहीं करोगे, क्योंकि इस वीडियो में मैंने अपना एक्सपीरियंस डाल रखा है, मेरे साथ क्या क्या स्कैम हुआ ये सब मैंने इस वीडियो में बताया है। इसमें UPTU, BITSET, ठीक है, और बाकी सारे एग्ज़ाम जैसे बोर्ड्स हो गए आपके, सब A to Z कवर्ड है। तो और अगर आप ड्रॉप भी ले रहे हो तो भी ये वाली बुक आपके लिए मस्ट है, तो एक बार इसे रीड ज़रूर कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं कि भैया मैंने करा कैसे। ठीक है, तो देखिए मेरे पे टाइम कम था उस समय, तो मैंने एकदम सही सोचा कि लेट्स प्ले स्मार्ट। ठीक है, हार्ड वर्क तो सब करते हैं लेकिन स्मार्ट वर्क कम ही लोग करते हैं, तो मैं स्मार्ट वर्क पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दिया। ठीक है, मेरी जो प्रिपरेशन थी वो बोर्ड्स लेवल की ही थी, इससे ज़्यादा नहीं थी। मैं खुद ऑनेस्टली आपको बता रहा हूँ, सिर्फ बोर्ड्स लेवल की प्रिपरेशन थी, इससे ज़्यादा मेरी नहीं थी। स्टिल आई वॉज एबल टू गेट 96% ये, हाँ आप कह सकते हो कि भाई 96% भी इतने अच्छे नहीं होते, सही बात है, नहीं होते इतने अच्छे, बट अगर आप देखो मेरी जो प्रिपरेशन थी बोर्ड लेवल की, उसके हिसाब से स्कोर डिसेंट हो जाता है। तो मैंने कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी तो करा होगा जिससे आई वॉज एबल टू आउट स्मार्ट नियरली 12.46 लाख स्टूडेंट्स, क्योंकि भाई उस साल 12.86 लाख स्टूडेंट्स ने लगभग एग्ज़ाम दिया था, तो उनमें से मैंने 12.46 लाख को स्टूडेंट्स को आउट स्मार्ट तो करा था भाई। तो ये कैसे करा, और भाई इससे मेरे को फ़ायदा हुआ था क्योंकि इसने मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट कर दिया था। जब मैंने ड्रॉप लिया तो आई वॉज़ वेरी कॉन्फिडेंट कि नेक्स्ट ईयर आई वॉज गोन, मतलब मेरा IIT में होना ही होना है। ठीक है, तो इसलिए ये भी काफ़ी ज़्यादा मेरे लिए बूस्ट और मोरल बढ़ाने के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ही। तो चलिए आपको एक मज़ेदार चीज़ दिखाते हैं, अब ज़रा जेई मेन्स 2017 का ये मेरा ऑफिशियल रिजल्ट है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपना रोल नंबर हाइड कर दिया ऑब्वियसली फॉर सिक्योरिटी रीजंस। ठीक है, तो इधर आप देख सकते हैं मेरे मार्क्स इतने आए टोटल। ठीक है, मैथ्स में इतने, केमिस्ट्री में इतने, फिजिक्स में इतने, नहीं हो रहा तो जूम कर लेना। ठीक है, और कॉमन रैन मतलब जो CRL है वो इतनी बनी थी। ठीक है, फर्स्ट अटैम्प्ट था मेरा 2017 का, ऑफिशियल रिजल्ट है, बोर्ड लेवल की नॉलेज के साथ मैंने ये रैंक पाई थी, तो आप देख सकते हैं। ठीक है, ओके, अब आगे इसे डिटेल करते हैं। ठीक है, पहले मैं अपना रोल नंबर ही भूल गया था, वादा लगे, बट ये किस आई वॉज एबल टू रिट्रीव दिस रिजल्ट। ठीक है, तो मेरे 128 स्कोर आया आउट ऑफ 360, जैसे ये आप देख सकते हैं इसमें 128 टोटल मार्क्स ऑप्टेन है और 360 का पेपर हुआ करता था। ठीक है, और मेरी कुछ 40,533 रैंक बनी है, तो आप 40,000 मान लो। ठीक है, ज़्यादा सिंप्लीफाई कर लोगे, अगर आप इसे कैलकुलेट करोगे परसेंटाइल में तो 95.55 से बीच से 96% में बन जाएगी। ठीक है, मेरी प्रिपरेशन ज़ीरो के बराबर थी, फिर भी मैं 128 मार्क्स ले आया। अब ये कैसे करा ये बताते हैं आपको। ठीक है, फिजिक्स की बात करते हैं, तो सबसे पहले फिजिक्स में मेरा स्कोर था 35/120, आप देख लीजिए, फिजिक्स में मेरा 35/120 है, केमिस्ट्री 65 है, मैथ्स में 28 है। ठीक है, तो ये अभी बताते हैं कैसे करा। फिजिक्स में मैंने भाई क्या करा कि जो सारे मेंस के PYQs थे, जितना हो सकते थे वो मैंने PYQs, मतलब ऑब्वियसली यार PYQ अगर मैं कर रहा हूँ बोर्ड लेवल की नॉलेज के साथ तो सारे तो नहीं होंगे, पर तो मैंने सोल्यूशन देख लिए थे, ऑनेस्टली नहीं करे, मतलब कि मतलब टाइम आउट एरर में टेस्ट की तरह नहीं दिए थे। ठीक है, व्हाट आई डिड वाज सॉल्व करा था, नहीं हो रहा सोल्यूशन देखा था, बस ये कर लिया, PYQs कर लिए मैंने। ठीक है, और कुछ ऐसे कॉमन टाइप के क्वेश्चन जो मुझे लगे कि जेई भैया जेई मीन्स जो है ये क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत मतलब देता ही देता है, तो मैंने क्या करा वो रट लिए। ठीक है, रट लिए मतलब समझ लिए कि इसका मेथड क्या है, ये ऐसे ऐसे होता है, ये प्रोग्रेस रहती है, अगर सेम टाइप का क्वेश्चन आता है वैल्यू चेंज के साथ तो आई वॉज एबल टू डू। तो इसमें मेरे को PYQs ने हेल्प करा काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, और कुछ हाई वेटेज चैप्टर्स थे, ठीक है, जो मैंने सोचा कि क्योंकि वो ज़्यादा आते हैं तो मैंने उन पर थोड़ा प्रायोरिटी दे दी थी, जैसे मॉडर्न फिजिक्स वगैरह मेरे को ईजी लग रहा था उस समय,
तो ये मैंने थोड़ा फोकस कर लिया। मैकेनिक्स मुझे थोड़ी बहुत लग रही थी, हाँ ये मेरे ग्रिप में, ऐसी कैलोरीमेट्री, हीट ट्रांसफ़र वगैरह, और थर्मो का थोड़ा बहुत पोर्शन मेरे को बहुत अच्छे से, मतलब अच्छे से तो नहीं पर ठीक ठाक तरीके से आ गया था, ठीक है। और कुछ मतलब वेव्स के कुछ ईजी वाले चैप्टर भी मैंने कर लिए थे, जिससे आई वॉज एबल टू डू सम ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है। ऑब्वियसली मेरा स्कोर इतना टॉप तो है नहीं, आप देख सकते इतने नंबर आए थे, ठीक है। तो अब मैंने क्या स्किप कर दिया, मैंने बड़ी बड़ी चीज़ें स्किप कर दी भाई, जैसे इलेक्ट्रोस्टैट्स और मैग्नेटिज्म, ऑप्टिक्स, करंट वगैरह, ये मेरे से नहीं हो रहे थे पता नहीं क्यों, क्योंकि इसका सवाल थोड़ा सही सा आ रहा था, ठीक है। और पता नहीं मेरी बोर्ड लेवल प्रिपरेशन थी इसलिए शायद मेरे से नहीं हो रहे थे उस समय की नॉलेज के हिसाब से, ठीक है। और बोर्ड में मेरे अच्छे आ गए थे 92.8, ज़्यादा अच्छे भी नहीं है, ठीक है, CBSE बोर्ड था तो CBSE बोर्ड का फ़ायदा मिला था। जो मेरा क्या बोलते हैं ओवरऑल फिजिक्स था वो लगभग सिर्फ PY की और बोर्ड लेवल की वजह से ही हुआ है, ठीक है। और मैंने बीच में DC पांडे के कुछ क्वेश्चन लगाने की कोशिश कर रहे थे जो जैसे इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म के थे, बट टाइम नहीं बचा था तो मैं कर नहीं पाया, सीधी बात तो ये, ठीक है। और बाकी सब्जेक्ट भी थे भाई, सब थोड़ी कर लूँगा, भगवान थोड़ी हूँ, ठीक है। अब आते हैं केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में मेरे अच्छे स्कोर आ गया था 65/120, मतलब मुझे ऐसा लगता है केमिस्ट्री सबसे ज़्यादा स्कोरेबल होती है, अगर आप केमिस्ट्री को जीत जाओगे तो आपका स्कोर बूस्ट हो जाएगा, ये मेरे को ऐसा लगता है। तो केमिस्ट्री को अपनी वीकनेस कहीं मत बनने देना, ये इतना याद रखिए, केमिस्ट्री सबसे वन ऑफ द ईजिएस्ट सब्जेक्ट होता है मेरे को ऐसा लगा, ठीक है। तो इसके लिए मैंने ऑब्वियसली NCERT कर ली थी, मैंने 12th की तो देखो NCERT बोर्ड्स की वजह से हो गई थी, तो मैंने 11th की ऊपर से कर ली, ठीक है। और PYQs मैंने ट्राई करे थे, उसमें PYQs में ठीक क्वेश्चन थे, नहीं हो रहा था मैं सोल्यूशन देख लेता था, और मैंने ज़्यादा कुछ ऐसे करा नहीं। मेरे पास एक सीनियर का, मतलब मैंने हमारे जान पहचान में थे, उनसे रेजोनेंस का मटेरियल ले लिया था केमिस्ट्री का, वो मैंने थोड़ा बहुत करा बट वो मेरे लिए टफ था काफ़ी ज़्यादा, तो मतलब हो नहीं पा रहा था, तो उससे कॉन्फिडेंस डाउन हो रहा था, तो मैंने ज़्यादा नहीं करा, छोड़ दिया, ठीक है। हाई गॉट हाईएस्ट इन केमिस्ट्री, अब ये मेरे मार्क्स हाईएस्ट है इसलिए वैसे आया क्योंकि NCERT बेस काफ़ी सारे क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कर, और PYQs ने मेरे को काफ़ी ज़्यादा हेल्प करा, थोड़ा बहुत कह सकते हैं रेजोनेंस मटेरियल ने भी हेल्प कर दिया था, तो आई वॉज एबल टू गेट 65/120। और मैं कह सकता हूँ कि थोड़ा लक्की भी था मैं, क्योंकि भाई लक किस लिए, क्योंकि हो सकता है कि जो मैंने चैप्टर पढ़े थे वो मेरे आ गए थे, ठीक है, तो ये थोड़ा अच्छा था। और इनऑर्गेनिक वगैरह मैंने थोड़ी कर ली थी, क्योंकि इनऑर्गेनिक के रट्टे वाले आ जाते हैं भाई, डायरेक्ट तुम डायरेक्ट लगाओ, ठीक है, टाइम कंज्यूम नहीं होता, ठीक है। और ऐसे सरफेस केमिस्ट्री, आप एडसॉर्बेंट वगैरह, ये सब याद रख लो, ये तो ईजी चैप्टर थे इसलिए हो गया था, ठीक है। ऐसी आपका क्या बोलते हैं सॉलिड्स, ठीक है, ये वाले चैप्टर्स की वजह से मेरे थोड़े मार्क्स थे जो बूस्ट हो गए, वो ऑब्वियसली आपको दिख भी रहा है, ठीक है। अब आते हैं मैथ्स, मैथ्स में भाई मेरे सबसे मिनिमम स्कोर आया था 28/120, ठीक है, ज़्यादा अच्छा नहीं है, बट इसी की वजह से मेरा स्कोर इन दैट 128/360 हुआ, क्योंकि ये नहीं होता तो उसे 100 नंबर ही रह जाते, ठीक है। NCERT करी मैंने मैथ्स के लिए, 11th की मैंने ज़्यादा नहीं करी थी, 12th की तो मैंने कर ली थी बोर्ड्स की वजह से, ठीक है। और 12th की बोर्ड्स की NCERT काफ़ी अच्छी है मेरे हिसाब से, अगर आपने इसको क्वेश्चन करे होंगे तो अच्छी है भाई, मतलब ऐसा नहीं बोल सकते कि बेकार क्वेश्चन आते, नहीं नहीं ठीक, काफ़ी ठीक क्वेश्चन आ जाते हैं NCERT में, ठीक है। और 11th की मैंने थोड़ा ट्राई करा कि मैं करके देखूं, तो थोड़ा बहुत मैंने कर पाया था, पूरा नहीं करा था, ठीक है। PYQs मैंने करे, बट PYQs ऑब्वियसली टफ थे, तो थोड़े मैंने सोल्यूशन रट लिए थे कि इस टाइप का आएगा तो ये ऐसे ऐसे कर लेते, प्रोबेबिलिटी वगैरह रट लिया था। और कुछ स्पेशल चैप्टर जैसे मैथमेटिक रीजनिंग, स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी हो गया आपका, मैंने सोचा इनमें तो मार्क्स लाने ही है भैया, क्योंकि ये तो आते ही हैं, और बाकी भैया जयराम जी की, क्योंकि मुझे लग रहा था मैथ तो बेड़ा गर्क ही है मेरा, इतना ज़्यादा प्रिपरेशन नहीं थी, कि भैया सब प्रैक्टिस ही होती है, और ऑनेस्टली मैंने इतनी प्रैक्टिस करी नहीं थी, तो लोएस्ट ही ऑब्वियसली आना था मेरा, ठीक है। तो इसकी वजह से मेरा आता है भैया 128/360 स्कोर, और आई वॉज एबल टू गेट जो ये वाली रैंक अभी आपको दिखाई थी कहाँ गई, तो आई वॉज एबल टू गेट 40,533 रैंक, जो लगभग 96% बन जाती है। हमारे टाइम भी ज़्यादा लोग पेपर देते थे भैया, और एक ही अटैम्प्ट होता था, ये नहीं कि भैया ये अटैम्प्ट बिगड़ गया दूसरा दे देंगे, नहीं होता था, ठीक है। और परसेंटाइल सिस्टम नहीं होता था, रैंक पर रैंक से आप परसेंटाइल बना सकते हैं ऑब्वियसली, ठीक है, तो ये वाला सिस्टम है। अब आते हैं और इम्पॉर्टेंट चीज़ पे, इसके बाद था भैया JEE एडवांस, अब थोड़ा स्टोरी को आप इतना खींच ही दिया है तो थोड़ा सा और खींच ही देते हैं भाई। JEE एडवांस 2017 देंगे क्यों नहीं भैया, जब मीन्स तुमने निकाला है और 128/360 आ गए हैं, इवन तो मेरे को पता था कि मतलब बेड़ा गर्क हो गया है, मतलब मेरा होना नहीं है, क्योंकि भैया JEE में तो 30,000 लोग ही सेलेक्ट होते हैं शायद, ठीक है, और मेरी 40,000 रैंक थी, मतलब मेरे से 10,000 लोग वैसे ही आ गए थे JEE एडवांस के मामले, ठीक है। और मैं इधर बात क्या हुआ, JEE एडवांस 2017 का सबसे ईजीएस्ट पेपर आ गया भैया, मतलब क्यों, मतलब ये समझ में नहीं आया कि इतना ईजीएस्ट पेपर दे कैसे सकते हैं IT वाले, ये JEE मेंस जैसा बना दिया इन्होंने, ठीक है। और इसका कट ऑफ अगर आपको पता है तो पता कितना गया था कट ऑफ 128 बाई
372 शायद, हाँ इतना कट ऑफ गया था। तो भैया जितने मेरे मार्क्स जेई मेंस में आ रहे थे ना, अगर मेरे इतने ही मार्क्स जेई एडवांस में आ जाते तो मेरा कट ऑफ पार होता, समझ रहे हो। तो काफ़ी ईजी, मतलब जेई मेंस के लेवल का पेपर कह सकते हो आप, ठीक है। तो ये दे दिया था, बट मेरे को इस समय ईजी नहीं लग रहा था, पता नहीं क्यों, ठीक है। क्योंकि कंसेप्ट थोड़े मतलब डीप लेवल पे पूछ लेता है एडवांस, इवन दो कोचिंग वालों के लिए इजी होगा, बट मेरा तो बेड़ा घर चल रहा था, तो मेरे से नहीं हो रहा था, ठीक है। तो मुझे लगा कि कट ऑफ थोड़ा लो जाएगा, क्योंकि 2016 का भैया सबसे एडवांस, उस समय का सबसे टफेस्ट एडवांस जा चुका था। तो 2016 का पेपर अगर आपने देखा हो तो काफ़ी तगड़ा है, ठीक है। तो उसमें कट ऑफ काफ़ी लो गया था, 75, ठीक है, कुछ ऐसे गया था। तो मुझे लगा कि इस बार भी भैया जाएगा 70-80 चला जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 90 चला जाएगा, ठीक है। तो मैंने कहा कि अपन सेफ खेलेंगे, जितना आएगा उतना ही अटैम्प्ट करेंगे, इससे ज़्यादा मैं खेलने नहीं मतलब करने वाला, ठीक है। तो मैंने बहुत ईजी वाले ढूंढ लिए क्वेश्चन, मैंने कहा ये कर लेते हैं, जैसे IUPAC का नेम का एक भैया मल्टीपल चॉइस में दिख गया, मैं कहीं ये तो ना ईजी क्वेश्चन और प्लस 4 मिल गए मेरे को। ऐसी मैंने ईजी से एरोमेटिसिटी वाले कुछ मतलब कर लिए अटैम्प्ट वगैरह, अब वो मुझे नहीं पता कि सही है कि गलत, बट वो गलत हुआ था इन द एंड, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन थे जो नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, तो मैंने उसमें ऑब्वियसली तुक्का मार दिया, बट वो तुक्का मजेदार बात है, वो गलत ही निकला, तुक्के नहीं लगते भाई, ठीक है। तो मेरे लिए पेपर 1 थोड़ा टफ निकला, ठीक है। पेपर 2 जैसे आया भाई, मेरे को ऐसा लगा कि पेपर 2 तो करने लगे भाई, इजी है, ठीक है। मजेदार बात, पेपर 1 की वजह से मैं इतना डिमोटिवेटेड टाइप का हो गया था कि मेरे से सवाल नहीं हो रहे थे, तो भैया मैंने उसे तुक्के मार दिए, इवन दो जिसमें नेगेटिव मार्किंग थी, और इन द एंड वो नेगेटिव हो गए, बढ़िया से मैं तुक्के मारे और तुक्के बढ़िया से नेगेटिव हो गए। तो भाई एक मेरे को सबक मिल गया था, सबक तुक्के से भैया जी ये तो नहीं निकलने वाला, ठीक है, चाहे आप कुछ कर लो, तुक्का नहीं मारना होता कभी जी में, ठीक है। हाँ ये आप कह सकते हो, अगर हार्ड गैस मार रहे हो तो मार लो, वो भी एक दो सवाल में, बट तुक्के से नहीं चलेगा। तो वो मेरे को नेगेटिव मार्किंग -2 से पता चल ही गया था, ठीक है। अब मेरा जो एक्सपेक्टेड स्कोर था वो आ रहा था 110/372, जो कि सही था, पूछो क्यों, क्योंकि पिछले साल गया था कट ऑफ 75/, मतलब कुछ इतना ही, 75/372 या 360, ठीक है। तो 75 से मैंने कट ऑफ से भैया 110 मार्क्स लिया, काफ़ी अच्छा है, तो इसका मतलब मेरा जे निकल जाना चाहिए, है कि नहीं, ऑब्वियसली निकल जाना चाहिए। तो देखिए मैंने क्या करा कि रिज़ल्ट आता है, और रिज़ल्ट में मेरा मार्क्स 110 नहीं, लगभग 104 आता है। तो मतलब कहीं मैंने एक और क्वेश्चन नेगेटिव करा होगा, जो मैं कैलकुलेट करना भूल गया, मार्क करना भूल गया अपनी शीट में, तो इससे एक और क्वेश्चन नेगेटिव हो जाता, तो 6 नंबर वो उधर चले गए +4 -2 की वजह से, ठीक है। तो 104 हो गए थे मेरे नंबर 370, अभी भी डिसेंट स्कोर है, बट मेरा कट ऑफ ही क्लियर नहीं हुआ। मैं आई वॉज शॉक्ड कि भैया ये कैसे हो सकता है कि कट ऑफ ही क्लियर नहीं हुआ, ये क्या हो गया भैया। तो मेरे को पता चलता है कि अगर हम यही पेपर अगर 2016 का होता या 2022 का होता, तो लगभग 12,000 से अंदर रैंक आ जाती, ठीक है, बट मेरा इस बार कट ऑफ क्लियर नहीं हुआ, ठीक है। तो फिर मैंने उसके बाद ड्रॉप लिया, जैसे कि बताया, उसके बाद 99.2% आई, उसके बाद आईटी गुवाहाटी में अपने जेई एडवांस फोड़ा, ठीक है, और वो तो आपको स्टोरी पता ही है बाकी की, है कि नहीं। तो ये थी मेरी शॉर्ट स्टोरी इन द एंड। तो मैं आपको बता रहा हूँ, जेई मेन्स इतना ज़्यादा फोकस मत करिए, मेन आपका खेल मतलब फोकस करिए, बट मेरे को ऐसा लगता है कभी कभार बोर्ड लेवल नॉलेज, और आजकल तो रट्टाफिकेशन से काफ़ी हद तक सॉल्व करा जा सकता है, ठीक है। और इस बार तो आपके पास 2 अटैम्प्ट भी हैं, मतलब हमारे टाइम तो एक ही अटैम्प्ट हुआ करता था, तो भैया एंड गेम चलता था हमारा, अभी तो आपके पास 2 चांसेस हैं, ठीक है। तो यही है बेसिक प्रिपरेशन। तो ट्रिक पता क्या है, फिजिक्स आप कर लो, ठीक है, PYQ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं मेंस के लिए, और मैथ्स के लिए भी सेम, मैथ्स में तो वैसे प्रैक्टिस लगती है, केमिस्ट्री आपकी भाई NCERT से बहुत कुछ आता है, इनऑर्गेनिक वगैरह रट लोगे तो मतलब आपका खेल ख़त्म, मतलब खेल ख़त्म आपका नहीं, पेपर का ख़त्म, ठीक है। तो 65 मार्क्स तो कहीं नहीं गए आपके, ठीक है, ईजी है और डूएबल है। ये मैंने करा 96% मेरे विदाउट प्रिपरेशन है, फिर अगली साल बहुत अच्छे से पढ़ाई करा तो 99.2% आई वॉज एबल टू स्कोर। और अगर आपको पता नहीं हो तो मेरे 99.5% आने थे, बट स्कैम हो गया था, मैंने OMR गलत मार्क कर दी थी, ऊपर नीचे लास्ट के 4-5 क्वेश्चन हिल गए, तो जो मेरे मार्क्स आने थे वो लगभग 194 आने थे, वो घट के 179 हो गए, जिससे रैंक मेरी 6,000 कुछ से 9,000 हो गई रैंक, ठीक है। तो ये होता है, खेल होता है। तो चलिए गाइज, आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, होप करते हैं आपको वीडियो पसंद आए, तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, बाय।